अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आए जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके लिए और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। मैं एक बात कहता हूं, आयत कोट सुनिए। मैं एक बात आपसे आयत कोट करिए। मैं अभी आयत कोट करता हूं आपको। मैं एक बात आपसे कहता हूं अमीश जी, हिजाब चाहे हिंदुस्तान का मीडिया, मोदी सरकार, योगी सरकार या जो चाहे वो कोशिश कर ले, महिलाओं जिनकी अपनी चॉइस। यही आपने बाबरी मस्जिद पे भी कहा था, आज बन गया ना मंदिर वहाँ पर। जिद का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। आपने कहा था कोई तोड़ के दिखा दे मस्जिद को, कोई बना के दिखा दे मंदिर को, बन गया ना आज मंदिर। आपने अपनी जिद का असर देख लिया ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलना होता है, आप पर्दे से बाहर आ गए ना। अब नहीं रोक रहे आप, शाम से बात बाबरी मस्जिद आ गई तो मुझे बीजेपी पर मस्जिद आ गई गई ना, बाबरी मस्जिद बन गया ना मंदिर। जिसकी लड़की उसकी बहन है जी जी, मैंने तो कहा ना जिसकी लड़की उसकी बहन। हिजाब भी गायब हो जाएगा आप लोगों की जिद। मैं नहीं मानता। क्या मैडम, क्या हिजाब भी गायब होगा आप लोगों की बेवकूफी और जिद की वजह से। चाहे जिसकी जो भी विचारधारा जो भी, आप अपनी बात को रखिए, अपनी बात को रखिए। वो कह रहे हैं मोदी योगी सरकार का उन्होंने जिक्र किया जवाब। मैं दोनों ही यहाँ पे जो खड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मस्जिद में हिजाब पहनना है, अपनी शेरवानी पहननी, अपनी टोपी पहननी, पहनिए शौक से पहनिए, सिनेमा हॉल में पहनना है, रास्ते में पहनना है, सड़क पे पहनना है, परंतु स्कूल में भी पहनने की भी इजाज़त। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्लासरूम के भीतर जब महिलाओं, एक सेकेंड सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लासरूम के भीतर जब क्लास चल रही थी, 35 वर्षों से कोई चलन नहीं था कि सारे चिल्ड्रन जो है, स्टूडेंट्स जो है वहां पर पहनेंगे। ये शुरू तब हुआ जब पीएफआई और सीएफआई ने इसमें हस्तक्षेप किया। अब ये मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के इंतजार करने के बदले ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का मामला है, मैं भी मानता हूं। तो मुझे बता दीजिए, जमीर अहमद कांग्रेस के नेता है और क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति है, कांग्रेस के नेता कहते हैं अगर महिला बुरखा में नहीं होगी तो उसका बलात्कार हो जाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। इसका खंडन किया आप उलेमाओं ने या जो समाज के बड़े लोग हैं? नहीं किया। एक रूबीना कहती है मैं हाथ काट दूंगी, क्या इसका खंडन किया कि मैं हाथ काट दूंगी? ऐसा बयान, जब एक बच्चों का मामला है, कोर्ट में मामला है, तो क्यों ये बयान दिया जा रहा है? और ओएसीसी जी कहते हैं कि मैं हिजाबी प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। ओएसी जी, हिजाबी प्रधानमंत्री के ख्वाब छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी की अध्यक्षा तो हिजाबी बना दीजिए पहले, वो तो बनाने से रहे। इसका खंडन किया इन लोगों ने नहीं। अगर ये स्टूडेंट का मामला, हमने तो प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी बातों का भी खंडन नहीं किया जो उन्होंने पोलराइज करने के लिए की है, और कहते रहते हैं। अभी कानपुर की रैली में खड़े होकर कहा कि ममता बनर्जी गोवा में हिंदुओं का वोट बांट रही है, मुसलमानों का वोट जोड़ रही है। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी नहीं है। तो जो इलेक्शन में आचार संहिता का उल्लंघन करके रैली में बोलते हैं उसका भी खंडन हमने नहीं किया। बहुत सारी पर वो तो का बोला था ना कि हम हिंदुओं का वोट बांटने के लिए आए हैं। टीएमसी ने कहा था ना कि हम हिंदुओं का वोट बांटने के लिए आए हैं गोवा में। होगा वो होगा, बकायदा इंटरव्यू में कहा है। एक बात सुना नहीं आपने? ये कमाल है, आप सुनते आधा है, आज जो आधा सुनते हैं सुनता तो फिर वो क्यों नहीं बोला आपने? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फिर क्यों नहीं बोला वो वाली बात? महुआ बोत्रा ने नहीं बोला था हम हिंदुओं का वोट बांटने के लिए आए? महुआ क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? नहीं नहीं, तो प्रधानमंत्री ने तो उस पर बोला। ये तो आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री ने तो सवाल करा करा गोवा में, अगर वो हिंदुओं का वोट बांटने बोल रहे थे तो किसका इकट्ठा करने आए थे? रैली में नहीं कहा, रैली में नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने रैली में कहा, मीडिया में बोला। प्रधानमंत्री नहीं है, माफ कीजिएगा, बड़ा फर्क है महुआ मोहित्रा में और प्रधानमंत्री जी में, बहुत अंतर है जी। सब सवाल किसका है बोलिए जी। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर स्कूल के अंदर एक ड्रेस कोड होता है और उसी ड्रेस कोड के हिसाब से भी मुसलमानों को भी ये चीज अलाउड नहीं होती है। स्कूल ड्रेस, स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, वो एक कानून होता है कि आपको इसी ड्रेस में आना है। तो सर आप ये बताइए सर, अगर आपको हिजाब पहनना ही है तो सर स्कूल के अंदर ही क्यों, बाहर पूरे दिन पहनिए आप हिजाब? जी जी, अंसार रजा जवाब इस बात का। बोल चुका हूँ कि स्कूल में क्लास के अंदर ड्रेस कोड होनी चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। मैं पहले तो मतलब गलत कर रही थी वो लड़कियां हिजाब? मैं यही नहीं, क्या नहीं, वहाँ क्या गलत कर रही थी? हिजाब उसने ग्राउंड में पहन रखा था, क्लासरूम में पहन रखा था उसने, वो क्या गलत? अरे कमाल की बात है, अरे वो क्लासरूम था क्या? सर ग्राउंड भी तो स्कूल कैंपस। नहीं 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 नहीं, स्कूल कैंपस के अंदर अगर हम घुसते हैं तो हम सब
हम ग्राउंड में कपड़े पहन अगर हम शिक्षा के जी 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 कहा कि हमारे हिजाब उतरवा रहे हैं तो बिना कपड़े के चले जाएंगे, ये कह रहे वो, ये हिजाब जो नहीं पहनता वो बिना बहुत गलत बात है, बिना कपड़े होता है। अभी उन्होंने बोला है हिजाब नहीं पहनते तो कपड़े नहीं है। यार एक बात, इस प्रकार से कैसे बोल रहे हैं? आपने सुना मैंने ऐसा बोला? तो आप बता दीजिए क्या बोला आपने। मैंने ये कहा है कि क्या बगैर हिजाब के वो आपने कहा आप हमारे कपड़े उतरवा देंगे? अच्छा बोलो, उनको बोल दीजिए, पहले बोलने तो दो। ग्राउंड में जो पहन करके गई है तो कैसे जाती वो? अगर वो लिबास पहन करके, हो सकता है अंदर जाके क्लासरूम में वो अपना जो ड्रेस कोड था उसमें हो। बस हवा निकल गई। कौन देखने गया था? क्यों तमाशा किया गया? नहीं, जो हिजाब पहन के नहीं आती है वो महिला है। क्या अभी क्या बोला? रिपीट। मैंने कुछ नहीं बोला भैया। हां देखिए आप भाग रहे हैं, वो तो रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्ड करके देख लीजिए। मेरा पीसीआर मुझे बता रहा है कि आपने बोला है। क्या बोला है उन्होंने? बोला क्या बोला उन्होंने? बोला है कि जो हिजाब नहीं पहनता, देखिए उन्होंने बोला है कि हमारे कपड़े उतरवा रहे हैं, मतलब कि जो हिजाब नहीं पहनता वो बिना कपड़े के आते हैं, वो बिना कपड़ों के घूमते हैं, यही तर्क है। ये तर्क गलत है। हिजाब नहीं पहनोगे तो बलात्कार हो जाएगा, यही गलत है। लिबास कपड़ा ही है भाई साहब। अब ये जैकेट हिजाब कपड़ा ही है, ये जैकेट कपड़ा ही है। हां तो आप हमारे मतलब इस तरह से आप बेइज्जत करेंगे हमारी औरतों को? क्यों? जो जो बिना हिजाब के आते हैं उनकी इज्जत नहीं है? रोड पे उतरवा करके आप हिजाब उतरवा के बेइज्जत करेंगे आप हमारी बहनों को? ये देखिए, पर ये है, ये बेइज्जती नहीं है? बीच रोड पे खड़े होकर के हिजाब उतराया गया, ये इज्जत है? अगर आप उन्हें पहनाएंगे ही नहीं तो कमाल की बात है यार। अभी ऐसा सपोर्ट अगर आप उनको पहनवाएंगे, एक बार बताइए, अगर एक लड़की ने स्कार्फ डाला हुआ है वो कपड़े हो गए उसके? बात बताइए। नहीं, वो स्कार्फ कपड़ा हो गया भाई साहब। स्कार्फ नहीं, वो ये शॉल कपड़ा है क्या? वो इज्जत है उसकी, वो इज्जत है उसकी। आपकी अब आपने हिजाब को इज्जत से जोड़ दिया। अब आपने हिजाब को इज्जत से जोड़ दिया? बिल्कुल इज्जत है, ड्रेस कोड है। सुनो मेरे नबी, अभी ये खेल खेला आपने, बड़ा आपने बड़ा खेल खेला अंतारा था इस मंच पे आज, लेकिन पकड़े गए। इज्जत है हमारी औरतों की, मतलब हिजाब इज्जत है, बिल्कुल इज्जत सब पहनती है, सब पहनती है। हम औरतों की बिल्कुल इज्जत है, हम उस इज्जत को तार तार नहीं होने देंगे। हमारे पास हमारा कुरान है, संविधान है।